ई लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा 28 ग्यारह 2020 को एक नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें करीब सैंतीस पोस्ट कोड है जिनकी जो तिथियां थी उसके बारे में कहा गया है कौन कौन सी तिथि में परिवर्तन हुआ और कौन कौन सी तिथि की परीक्षा वैसे ही होनी है बहुत बड़ी खबर आई है काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि टी टी मेडिकल नॉन मेडिकल की परीक्षा क्या स्थगित होगी या कब होगी इसके ऊपर भी जो आपका संशय है उसे समाप्त करेंगे इस वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है सैंतीस पोस्ट कोड के ऊपर जारी की गई है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके यहाँ पे देखेंगे क्या क्या परिवर्तन इसमें किया गया है उससे पहले आपको बता दें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए हमारी टीम के द्वारा किताब तैयार की गई है यह किताब नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित है सिक्सटी साठ चैप्टर है इस किताब में सिक्स हंड्रेड फोर्टी नाइन पेजिज़ की एक किताब है पिछले दस सालों के

स्टडी प्लेटफॉर्म की एक किताब है इस किताब में आपको तीन महीने के सारे के सारे करंट अफेयर उपलब्ध करवाया गया है और ये किताब आपको महज 99 नाइन में मिल रही है स्पेशल डिस्काउंट इस किताब के ऊपर चल रहा है कुछ लिमिटेड कॉपीज ही इला स्टडी वेबसाइट के स्टॉक में है तो आप इसका भी लाभ उठाइए और इस किताब को भी ऑर्डर कीजिए यदि आपने हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको अपना हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाना होगा तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब जो कि संक्षिप्त नोट्स की फॉरम में करीब दस हजार प्लस प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया इस किताब के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए निश्चित तौर से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी अपने फ्रेंड्स और अच्छी किताबें अपने पास रखिएगा यही आपके लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शन का रोल निभाएगी आइए अब डिस्कशन करते हैं सैंतीस पोस्ट कोड में से किस किस में परिवर्तन हुआ है सबसे पहले बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट की तो इस परीक्षा में देखिए अर्लियर फिक्स्ड वेन्यू थे शिमला हमीरपुर मंडी और धर्मशाला और इस परीक्षा का आयोजन होगा को मॉर्निंग सेशन में और अब इसका जो वेन्यू है वो हमीरपुर है तो अभी आपको हमीरपुर में परीक्षा देनी होगी तो काफी आ, अभी आपके पास मैं भी नहीं है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस परीक्षा का आपको ध्यान रखना है उसके बाद यदि हम बात करें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड टू की है किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल

सब इंस्पेक्टर ऑफिसनर की परीक्षा की बात करें तो पहले इसके यहाँ पे चार सेंटर थे अब इनके द्वारा कहा गया है कि इसके दो ही सेंटर होंगे हमीरपुर और शिमला उसके बाद सुपरवाइजर की की परीक्षा था। बात करेंगे तो इस परीक्षा में पहले देखिए हमीरपुर और शिमला में सेंटर थे अब हमीरपुर में भी बनाया गया है और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की बात करें होस्टल सुपरिंटेंडेंट पोस्ट की बात करें और जूनियर ऑफिस सुपरवाइजर ट्रेनी पी एंड ए एट एस ओ लेवल इस परीक्षा का देखिए किसी भी तरह का इन तीन परीक्षाओं में किसी भी का कोई भी चेंज नहीं किया गया है अब आगे बात करेंगे फार्मासिस्ट एलोपैथी की तो इसके लिए पहले दो सेंटर बनाए गए थे बारह बारह दो हजार तो बीस को परीक्षा होगी हमीरपुर और शिमला में तो अब इसका सेंटर हमीरपुर में ही रखा गया है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की बात करें बारह बारह दो हजार तो बीस को इवनिंग सेशन में इस परीक्षा को रखा गया था पहले इसके दो ही सेंटर थे हमीरपुर और शिमला में अब इसके सेंटर बना दिए गए हैं शिमला हमीरपुर मंडी और धर्मशाला में टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा तेरह बारह दो हजार बीस को है इसमें भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है नो चेंज ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में परीक्षा होगी इसके

आगे जिन वैकेंसीज के मैं नाम ले रहा हूँ उनमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया गया है यदि हम बात करें स्टेनोटाइपिस्ट की ऑपरेटर्स की वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की जो कि इलेक्ट्रिकल है जूनियर ड्राफ्ट्समैन है आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर है ठीक है जी इसमें टेक्नीशियन सुपरिनटेंडेंट है आ,

मार्केटिंग असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की परीक्षा में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अब बात करेंगे क्लर्क परीक्षा की आठ इसका पोस्ट कोड है परीक्षा का आयोजन होगा सताइस बारह दो को मॉर्निंग सेशन में आपको बता दें स्टूडेंट्स हमारी ये किताब है जिसमें पांच हजार प्लस प्लस का क्वेश्चन बैंक है पिछले दस वर्षों के क्लर्क के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किया गया है बहुत ही बेहतरीन किताब है क्लर्क की परीक्षा के लिए वेबसाइट पर जाइएगा लिमिटेड बुक्स में स्टॉक में ही ये बुक्स है इसकी तो आप इस बुक्स को परचेज कर लीजिएगा ताकि आप क्लर्क की परीक्षा में बेहतरीन स्कोर कर सके बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे जाते हैं इसमें कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन बैंक बन चुका है जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा तो इस परीक्षा का जो आयोजन होना था वो पहले ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होना था अब

आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी इस यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए ताकि आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचती जाए और इसके अलावा विभिन्न तरह इन किताबों के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं इस किताब को यूज कर सकते हैं डिजिटी आर्ट्स के लिए भी आपको यहां पे किताब बताई गई है ये वाली किताब इस अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा तो बने रहिए आप हमारे साथ हर छोटे बड़े अपडेट के लिए आप प्लेटफॉर्म का एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा वहां पर आप टाइप कीजिए इला स्टडी और इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से इस एप्लीकेशन पर भी अपडेट की जाती है थैंक यू वेरी मच कीप स्टडी यूट्यूब चैनल